हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलीटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से एग्जाम देकर रिलैक्स फील कर रहे होंगे। एग्जाम आप लोग का बहुत ही शानदार गया, सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑब्जेक्टिव को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे एग्जाम आपको बहुत ही शानदार गए थे। बात करें जितने भी एग्जाम थे उन सारे एग्जाम में हमारे द्वारा जो मैराथन आप लोग को दिया गया था वो सारे मैराथन सफल रहा। आप लोग का सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक में भी आप लोग को बहुत हद तक हेल्प मिला है। तो आई थिंक आप लोग का एग्जाम जब वो मैराथन देकर आप लोग दिए होंगे तो बहुत ही अच्छा आप लोग का एग्जाम गया और आप लोग खुश भी होंगे। तो देखिए अब हमारा फोर्थ सेमेस्टर ओवर हो चुका है, अब हम लोग एक नए सेमेस्टर में आ रहे हैं जिसका नाम है फिफ्थ सेमेस्टर। तो फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट के लिए क्रेजी पॉलीटेक्निक पर आप लोग के लिए कोर्स को लाइव कर दिया गया है। कोर्स का नाम है फिफ्थ सेम लक्ष्य बैच। ये बैच की कुछ खासियत है, ये खासियत ऑलरेडी आप लोग जब फोर्थ सेम में पढ़े होंगे हमसे तो वो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलता है, डिजिटल पीडीएफ, साथ ही साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस हर हमेशा आपके साथ होता है। लाइव क्लास के बारे में हम थोड़ा सा आपको क्लियरिफाई कर दें, लाइव क्लास आपको जो है वो डाउट फॉर्मेट के रूप में मिलेगा और लाइव क्लास आपको मैराथन के फॉर्मेट में मिलेगा। बाद बाकी जितने भी क्लासेस होंगे वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, क्लासेस की संख्या आपको, लेक्चर की संख्या आपको कम होंगी, लेकिन जो लेक्चर की संख्या होगी, जो लेक्चर आपको मिलेगा वो लेक्चर अदर जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनसे बेहतर ही होगा। वो आप खुद फील किए होंगे जब आप एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर का दिए थे तो उसमें आपको रियलाइज हुआ होगा कि मेरा कंटेंट और औरों के कंटेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आई थिंक आपको वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आप लोग थर्ड सेमेस्टर के बारे में तो है नहीं कि आप लोग को समझाने की भी जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मार्केट के स्ट्रेटर्जी, मार्केट में क्या चल रहा है, कितना फेंका जाता है, वो सब आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो बता रहे हैं, जो हम कहते हैं उस पर हम खरे उतरने का पूरा कोशिश करते हैं। हम कोशिश यही करते हैं अगर आपको हम कहें टेस्ट देंगे तो टेस्ट देंगे, कुछ भी टेस्ट दें लेकिन टेस्ट देंगे। इस बार क्योंकि आप लोग का रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास है तो क्लासेस तो लगभग रिकॉर्डेड हैं ही, कुछ कंटेंट और उसमें डालना है, कुछ कंटेंट को और उसमें इंप्रूव करना है। बाद बाकी इस बार जो मेरा टोटली फोकस रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव पर फोकस रहेगा कि कैसे हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें। और थर्ड सेमेस्टर वाले को जो टेस्ट सीरीज देंगे वो टेस्ट सीरीज आप लोग को भी देंगे ताकि उस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप जो है वो थर्ड सेमेस्टर का जो क्लास है, थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर है, वो पेपर को आप इसी सेमेस्टर में मतलब उसको रिवाइज भी करते चले। तो हम कोशिश करेंगे अगर आप लोग का देखेंगे इंटेंशन कि उसके प्रति है, आप लोग चाहते हैं मतलब थर्ड सेमेस्टर के पेपर को रिवाइज करना, तो हम उसमें आप लोग के कोर्स में भी वो टेस्ट सीरीज को ऐड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेज आपसे नहीं लिए जाएंगे। हमारे पास कोई चार्ज अलग से नहीं होता है कि टेस्ट सीरीज के अलग से 200, फिर पीडीएफ के लिए 50 रुपया, ये सब कुछ नहीं। जो चार्ज है फिक्स चार्ज आप लोग को पता ही होगा, शुरू से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोग को मेरा कोर्स का प्राइस पता ही होता है, इसमें तो रिवेल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा कोर्स का प्राइस आप लोग के लिए 1000 रहेगा पर पेपर 200 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर जो है वो 1000 में आपको पूरे सब्जेक्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में कुल मिलाकर 3 इलेक्टिव पेपर हैं। अब तीनों इलेक्टिव पेपर में कौन सा कॉलेज कौन सा पेपर ले रहा है वो उस कॉलेज पर डिपेंड करता है। हम जो पेपर पढ़ाएंगे वो पेपर के बारे में आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। तो क्लासेस के बारे में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए और आप लोग को अब बिलीव हो ही गया होगा अच्छे से कि हम क्या पढ़ाते हैं और हम जो करते हैं वो करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आपको पूरा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, लास्ट का ये जो क्वेट है एकदम सटीक बैठता है, पढ़ लो चाहे कहीं से, पास करोगे यहीं से। जहां कहीं अभी आप पैसे जाकर दे दीजिए, कहीं भी एडमिशन करा लीजिए, एग्जाम के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको याद आएगा तो यही मास्टर और यही चैनल याद आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बता देते हैं आप लोग को इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हम कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला और दूसरा पेपर, ये दोनों पेपर हमारा कंपलसरी है। ठीक है, ये दोनों पेपर हमारा क्या है, कंपलसरी पेपर है। तो इस पेपर में माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का आपको जो है वो सभी को पढ़ना है, कोई भी कॉलेज का हो सभी को ये पेपर पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर और एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, ये दोनों पेपर मेन पेपर हैं जिसको कि आपको मतलब सभी स्टूडेंट को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। उसके बाद हमारा जो है वो ओपन इलेक्टिव फर्स्ट जो हमारा है उसमें कुल मिलाकर 3 पेपर है जिसमें कि हम लोग 2 पेपर को डिस्कस करेंगे। एक हमारा है इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमिशनिंग और दूसरा हमारा है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन और तीसरा हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इसमें है शायद। तो यहाँ पर हम जो है वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को पढ़ा रखे हैं और इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमिशनिंग को भी हम पढ़ाए हैं, इसका भी आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा।
हालांकि मैक्सिमम कॉलेज में हमारा जो है वो स्विच करंट प्रोटेक्शन ही लिया गया था, एकाध दो ऐसे कॉलेज थे उसमें जिसमें है वो इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमिश्निंग लिया गया था। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का तो हमको कोई आइडिया भी नहीं है कि कौन कॉलेज में लिया गया था या नहीं लिया गया था। मेन हमारा जो है वो स्विच करंट प्रोटेक्शन को लिया गया था। और आप लोग को भी हम यही कहेंगे कि अगर आप लोग से कॉलेज पूछे कि आपको कौन सा पेपर लेना है तो आप वहाँ पर स्विच करंट प्रोटेक्शन को ही लीजिएगा, क्योंकि देखिए पावर जनरेशन आप पढ़ लिए हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग पढ़ लिए हैं, तो पावर सिस्टम में सिर्फ एक ही पेपर बचता है, वो हमारा होता है स्विच करंट प्रोटेक्शन, और ये मेन पेपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको ओपन इलेक्टिव के फॉर्मेट में दिया है, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप स्विच करंट प्रोटेक्शन को पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आपके कॉलेज में चले या नहीं चले ये पेपर, लेकिन ये पेपर के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट के कॉलेज में नहीं भी चल रहा है स्विच करंट प्रोटेक्शन, वो भी जो है वो स्विच करंट प्रोटेक्शन का लेक्चर हमारे ऐप पर जो है उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपन इलेक्टिव फर्स्ट के लिए। ओपन इलेक्टिव सेकेंड में हम जो पढ़ाने वाले हैं वो हमारा है एक इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस है और एक हमारा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल मैक्सिमम कॉलेज में लिया जाएगा और इल्यूमिनेशन भी लिया जाएगा। तो इल्यूमिनेशन में आपको जो है वो हम लेक्चर को प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि यही इल्यूमिनेशन जाकर आपको लास्ट सेमेस्टर में फिर पढ़ना है यूटिलाइजेशन के टर्म में। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा, तीन टॉपिक मिलेगा, जिसमें कि हमारा एक होता है, एक हमारा उसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल हीटिंग, दूसरा हमारा पढ़ना है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ये दो को हो गया, और हमारा जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ये तीन यूनिट उसमें जो सिक्स सेमेस्टर में वो एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वो तीन यूनिट इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस, हमारा जो बल्ब होता है बल्ब तक ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, तो वो सबको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ये जो सब्जेक्ट है इसका लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन इलेक्टिव सेकेंड की बात करें। ओपन इलेक्टिव थर्ड, कॉमन ओपन इलेक्टिव जो सबके लिए था उसमें हमारा क्या है, तो उसमें हम जो पढ़ा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पढ़ा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरे पटना में सबसे बेस्ट अगर किसी ने डिलीवर किया है तो वो हमारे, हम खुद ये नहीं बोल रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके मतलब उनसे अगर आप फीडबैक लीजिएगा तो वो आपको बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पूरे पटना में जो सबसे बेस्ट तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सिलेबस को ख़त्म किया था तो वो हमारा क्रेजी पॉलिटेक्निक ही था। आप जाकर इसका जो मैराथन है उसमें उसके नीचे कमेंट में भी आप जाकर देख सकते हैं, जो मैराथन में कराया गया था टोटल का टोटल डिक्टो क्वेश्चन आपका जो है वो मतलब एग्जाम में सब्जेक्टिव टोटली मिला था। तो ये आप भरोसा रख सकते हैं कि ओपन इलेक्टिव में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप हमसे पढ़ते चाहे वो कोई भी सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, ये कोर्स को इस बार हम जो है वो अलग से भी बना देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आप निश्चिंत रहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ से बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ओपन इलेक्टिव में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही पढ़ाएंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके हम पीडीएफ प्रोवाइड आपको कर देंगे, लेकिन उसका क्लास का हम कोई इंश्योरिटी नहीं दे सकते। इस बार हम सोचते हैं अगर हो पाया तो हम आईओटी को पढ़ाने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये कंपल अभी नहीं कर सकते हैं। अगर ये होगा भी ओपन इलेक्टिव में आईओटी तो वो एग्जाम से डेढ़ महीना पहले ही, एक डेढ़ महीना पहले हम ये कोर्स को आईओटी को डालने का कोशिश करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा टारगेट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही है। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू था। तो पहला और दूसरा पेपर कंपलसरी है और बहुत ही शानदार तरीके से ये पढ़ाया गया है। फिर हमारा तीसरा में तीन पेपर है जिसमें कि हम लोग दो पेपर को डिस्कस करेंगे, और चौथा जो पेपर है उसमें हमारा दो पेपर को डिस्कस करेंगे। एक एक पेपर को हम लोग इन दोनों में छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक शायद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उसको हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्शन हम कभी पढ़ाए नहीं है, तो इसलिए हमको उसका जो है वो आइडिया नहीं है उतना, ठीक है। और ट्रैक्शन का अगर हम सिलेबस, अगर ट्रैक्शन वन का उसमें कंटेंट होगा तब तो हम उसको डिलीवर आपको करवा देंगे, लेकिन अगर ट्रैक्शन टू का होगा तो थोड़ा कम चांस है आपको हम वो लेक्चर को देने का, लेकिन कोशिश करेंगे अगर हो पाया तो हम ट्रैक्शन का जो है आपका सब्जेक्ट उसका भी लेक्चर हम डालने का कोशिश करेंगे। अगर हो पाया तो हम लोग डाल देंगे, कुछ बात करके एक आई बी सर हैं उनसे भी हम बात करके, उनका जो ट्रैक्शन टू का लेक्चर पढ़ाए हुए हैं तो उनसे लेक्चर लेकर हम आपको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, अगर हो पाया तो। और बाद बाकी सब्जेक्ट के बारे में आपको ओवरव्यू पता चल गया होगा, और आप निश्चिंत होकर इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और अपने हमारे साथ आप जुड़ के और अपना एजुकेशन को, अपने स्टडी को आगे बढ़ाकर बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम में ये गारंटी रखिए कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं, अगर सही ढंग से पढ़ते हैं, जो बात हम आपको कहते हैं वो बात को अगर आप फॉलो करते हैं, तो ये गारंटी मानिए कि आप 70 में 60 प्लस मार्क्स एक्सटर्नल में लेकर आएंगे, ये हमारा गारंटी है अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोर्स के बारे में आपको पूरा पता चल गया होगा। इसमें हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये तो आपको बता दिए, इन सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो सिलेबस को आपको एक पार्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको ऐप पर मिल जाएगा। अगर हो पाया तो उसको हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर भी डाल दें, ताकि आप लोग को सिलेबस के बारे में कुछ आइडिया मिल जाए। लेकिन मतलब सिलेबस से आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा कि हमारा जो है वो, सिर्फ यही पता चलेगा कि टॉपिक क्या, उसे आप सब्जेक्ट के बारे में उतना आइडिया नहीं लगा पाएंगे जब तक कि आप उस सब्जेक्ट को डीपली पढ़ेंगे नहीं।
तो फिर भी हम यहाँ पर जो भी सिलेबस है उसके इंट्रोडक्शन के वीडियो को हम आपको ऐप पर प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप सिलेबस के बारे में देख लीजिएगा। बाद बाकी आपको जो है सारे क्लास का रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, मतलब आपको एक ही बार सारे रिकॉर्डेड डाल देंगे। और कुछ इंप्रूवमेंट अगर हमको करना होगा, हमको लगे कि इसमें कुछ टॉपिक को और इंक्लूड करना है या कोई टॉपिक अच्छा से डिलीवर नहीं किया गया है, उस टॉपिक को हमको चेंज करना है, तो वो भी हम काम इस पर होगा। और इस पर मेनली फोकस हमारा होगा टेस्ट सीरीज पर, हम आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि सब मतलब वीडियो तो ऑलरेडी बना हुआ ही है, तो अब आपको कुछ इंप्रूवमेंट तो देना है, कुछ अलग देना है। क्योंकि देखिए, जब जो चीज़ हम लेकर आएंगे वही पीछे वाले जो हमारे हैं वो फॉलो करेंगे, तो जब तक हम आगे सोचेंगे नहीं तब तक वो लोग सोचने वाले नहीं हैं। अगर इस बार हम टेस्ट सीरीज को देंगे, ऐसे तो हर एक बार हम टेस्ट सीरीज कुछ कुछ पार्ट में दिए ही हैं, लेकिन इस बार पूरा फोकस हमारा टेस्ट सीरीज पर होगा, जो कि जेई फॉर्मेट पर होगा, कि जेई में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछता है उसी फॉर्मेट पर होगा। और इस बार और एक ऑप्शन आपको देंगे कि जो भी हमारा टेस्ट सीरीज होगा उसके क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करें। तो ये सब कामें होंगे, अगर आप अच्छे से जुड़कर मन से पढ़ते हैं तो ये गारंटी मानिए कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।